नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी 15 अगस्त से पूर्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में पूर्व की तरह गुटबाजी फिर उभर कर सामने आई। बैठक के दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति चर्चा का केंद्र रही। दरअसल काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। नवचेतना भवन में आयोजित ये बैठक यूं तो आगामी 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी के द्वारा निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर थी, लेकिन इस बैठक में पूर्व की तरह गुटबाजी उभर कर तब सामने आई जब अधिकतर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्षता सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, जिसमें काशीपुर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस समेत समस्त संगठन की भूमिका इसमें रहेगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान आम जनता को ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि वर्तमान सरकार धर्म को आड़ बनाकर किस तरह काम कर रही है, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाया जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों से आपस में संपर्क कर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी द्वारा 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है। 9 अगस्त से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे नरेंद्र भाई, ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस व समस्त संगठन इसमें इन्वॉल्व रहेगा और हम पूरे विधानसभा में, ब्लॉकों में जाकर और शहर के मुख्य मार्गों पर गुजरकर अपना संदेश देंगे। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।